महाराष्ट्र की नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने किया अपना नामांकन। आरक्षण को लेकर फडणवीस का बड़ा बयान, कहा भारत में जब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने नामांकन से पहले किया रोड शो, विपक्ष के सामने किया शक्ति प्रदर्शन। सरायकेला विधानसभा सीट से पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने भरा पर्चा, साथ में कई लोग थे। देवघर में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर मधुपुर विधान के बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने पर्चा दाखिल किया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए। बांद्रा पूर्व से कांग्रेस विधायक थे जीशान सिद्दीकी, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। सांगली के बीजेपी जिला अध्यक्ष निशिकांत पाटिल ने छोड़ी पार्टी, एनसीपी अजित पवार गुट के साथ आए। नवाब मलिक की बेटी साना मलिक को भी मिला टिकट, वो लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में 7 से 14 नवंबर के बीच में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं ज्यादातर रैली, 8 से 10 चुनावी सभाओं का हो सकता है कार्यक्रम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 प्रत्याशियों की सूची, कई बड़े नामों को लिस्ट में जगह। सकोली सीट से चुनावी हुंकार भरेंगे नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी सीट से होंगे प्रत्याशी। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान दक्षिण कराड़ से बने प्रत्याशी, प्रफुल्ल विनोद राव दक्षिण नागपुर से आजमाएंगे किस्मत। संगमनेर सीट से बाला साहेब थोराट कांग्रेस ने जताया उन पर भरोसा, वहीं चुनावी समर में धूले से होंगे कुणाल रोहिदास। अमरावती से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे सुनील देशमुख, धीरज और अमित को लातूर ग्रामीण और लातूर शहर से मिला टिकट। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को बताया बंटी बबली की जोड़ी, कहा झारखंड में जेएमएम बंटी और बबली की तरह सरकार चला रही। एक बार आप टीवी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा, जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बबली होता है ना, ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। सीएम हेमंता के बंटी बबली वाले बयान पर हेमंत सोरेन ने हेमंता पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी को बता दूं कि बंटी बबली सुपरहिट फिल्म रही है। बंटी बबली की सरकार चलती है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बंटी बबली पिक्चर सुपर डुपर हिट रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने जेएमएम और कांग्रेस को दाना तूफान से भी बताया खतरनाक, कहा दाना तूफान 2 दिन में चला जाएगा लेकिन दाना तूफान से खतरनाक जेएमएम कांग्रेस की हेमंत सरकार। आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एम्स और आईआईएम के कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया देश का अगला चीफ जस्टिस, 11 नवंबर से शुरू होगा नए सीजेआई का कार्यकाल। मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दीप जलाकर आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकर्ता मंडल बैठक का उद्घाटन किया। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आगे के एएसआई सर्वे को लेकर आज आ सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश, सुनवाई पूरी कर पहले जज ने आदेश को रख लिया था सुरक्षित। वायनाड में 28 और 29 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करेंगी कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी, उपचुनाव में अपनी जीत के लिए जुटाएंगी जनसमर्थन। गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 2 जवानों की शहादत। हमले में 2 पोर्टर की भी मौत हुई, 3 घायलों का इलाज चल रहा। बारामूला में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा, भाई अनमोल पर 10 लाख के इनाम का ऐलान, बाबा सिद्दीकी कार्ड में सामने आया था इसका कनेक्शन। तिरुपति के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं, अब भी बेहद खराब श्रेणी में है एक ही वाई। आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब, करीब 400 पहुंचा एक ही वाई। हवा की गुणवत्ता सुधारने की मुहिम जारी है, एमसीडी की तरफ से हर जोन को दिया गया 20 लाख का फंड।
दिल्ली की यमुना नदी में आज भी दिखा जहरीला झाग, ड्रोन से सामने आई तस्वीरें। मुंबई में प्रदूषण की मार छाई, शहर में धुंध, मरीन ड्राइव से सामने आई तस्वीरें। अमृतसर में अब तक 451 पराली जलाने के मामले सामने आए, किसानों पर 3,85,000 रुपए का लगा है जुर्माना। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, डीसी दफ्तर के बाहर सड़क पर फेंकी पराली। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नहीं दिख रही कोई रियायत, पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी। हरियाणा के करनाल में सड़क पर जलाई जा रही पराली, सख्ती का असर नहीं। अलवर में फैक्ट्रियों से निकल रहे धुएं से शहर बना गैस चैम्बर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। लैंडफॉल के बाद सुस्त पड़ा दाना साइक्लोन, हालात सामान्य होने की तरफ। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश, कोलकाता में खुला एयरपोर्ट। अगले 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल का प्रोसेस, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। आज ओडिशा बंगाल के स्कूल रहेंगे बंद, तूफान के टकराने के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में उठ रही समंदर की ऊंची ऊंची लहरें। ओडिशा के कई इलाकों में तेज आंधी के चलते पेड़ गिरे, राहत काम में जुटी हैं रेस्क्यू टीम्स। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में और दीघा में तूफान दाना का असर देखा गया, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दीघा में तूफान सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, राहत बचाव टीमें कार्य में जुटी हैं। कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, नेवी की टीमें अलर्ट मोड पर हैं, कई जगहों पर बनाए गए राहत शिविर। भद्रक में सुबह भी जारी है मूसलाधार बारिश, हवा की रफ्तार में नहीं आई कोई भी कमी। भद्रक के बासंदा में तूफान के चलते कई जगहों पर गिरे बिजली के खंभे, हवा में उड़ गए टिन और शेड। तूफान दाना पर प्रधानमंत्री मोदी की पैनी नजर है, ओडिशा के सीएम के साथ उन्होंने बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया। चक्रवात दाना को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, कंट्रोल टीम से और कंट्रोल रूम से सीएम मोहन चरण मांझी ने लिया तूफान का जायजा। चक्रवात दाना पर इसरो भी रखे हुए है नजर, आश्रय केंद्रों में पहुंचे लोग। ओडिशा बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी, 10 लाख लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए गए। रिलीफ कैंप में 1600 गर्भवती महिलाओं ने दिया बच्चों को जन्म, चक्रवात दाना की वजह से स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट की गई थी। पश्चिम बंगाल के नबन्ना में रहेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कंट्रोल रूम से हालात का जायजा लेंगी। तूफान से निपटने के लिए बोली सीएम ममता, कहा प्रभावित लोगों को निकाला गया, तूफान को लेकर सतर्क है सरकार। ओल्ड दीघा में समुद्र तट पर दिखा तूफान का भयावह नजारा, तट से टकराती दिखी विशाल नहरें। तट के किनारे लगातार गश्त पर मुस्तैद रहे अधिकारी, लाउडस्पीकर से लोगों से करते रहे तट से दूर रहने की अपील। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भारी बारिश के चलते आया 30 फीट फॉर्म, फायर विभाग की टीम फॉर्म को साफ करने में लगी। कोलकाता में शुरू हुई जोरदार बारिश, समुद्र में बड़ी बड़ी नावें किनारों पर खड़ी दिखी। तूफान के चलते लोगों को तटों से दूर रखा जा रहा, भारी बारिश और तूफानी हवाओं के चलते शिफ्ट किए गए। दमदम एयरपोर्ट पर दिखा सन्नाटा, सावधानी के चलते रद्द की गई यहां पर फ्लाइट्स। बंगाल और ओडिशा में बस सेवाएं भी कर दी गई हैं रद्द, लोगों को सफर न करने की हिदायत जारी की गई। कोलकाता में यातायात पर दिख रहा तूफान का असर, बस स्टैंड पर खड़ी दिखी बसें। यूपी और एमपी के लोगों को मिली बड़ी सौगात, इटावा में यूपी और एमपी को जोड़ने वाला चंबल नदी पर बनेगा आधुनिक सिग्नेचर पुल। कर्नाटक के हसन में लोगों के लिए खोला गया हसनंबा मंदिर, दर्शन के लिए लगी कतारें। दिल्ली में जर्मन बिजनेस का 18वां एशिया प्रशांत सम्मेलन 2024 का आयोजन, कई मुद्दों पर हुई बात। मुंबई में मामी मुंबई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, अभिनेता मनोज बाजपेयी यहां पहुंचे। राजौरी में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।